हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, स्टूडियो में हम बात करें बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो पोस्ट है उसमें 326 और असिस्टेंट मैनेजर की 108 पोस्ट हैं। तो कैसे आप इस आवेदन को भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी फीस आपको पे करनी होगी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो डिपार्टमेंट नेम है दोस्तों वो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जिसमें जो आप लोग आवेदन कर सकते हैं 26 अक्टूबर 2018 से लेकर 22 नवंबर 2018 तक, और इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा वो दिसंबर 2018 या जनवरी 2019 में होने की पूरी संभावना है दोस्तों। उसकी जो डेट है और वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कब इसका एग्ज़ाम डेट रहेगी, और एडमिट कार्ड कैसे आप डाउनलोड करेंगे और रिजल्ट कैसे आप डाउनलोड करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे जो भी अपडेट आएगी। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रिटर्न टेस्ट रहेगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें जो टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो पोस्ट है 326 और असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है वो 108 है। इसमें जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन द मस्ट, बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों उसमें MBA डिग्री आपके कंप्लीट होनी चाहिए एट द हायर वैल्यू। उसके बाद इसमें जो आपको फ़ीस पे करनी होगी फॉर अदर कैटेगरी के लिए 600 रुपये है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपये उनको फ़ीस पे करेंगे। एज की हम बात करें तो उसके अंदर मिनिमम 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 साल की एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को 5 साल का दिया जाएगा अपर एज में, और MBC और WBC और BC कैंडिडेट को 3 साल का, और जो परमानेंट स्टाफ है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करते हैं इसकी ऑफिशियल साइट की दोस्तों, जहां पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो हम इनकी ऑफिशियल साइट पर है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको जाना है रिक्रूटमेंट पर। यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आए हुए हैं रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट 326 पोस्ट इन द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बिहार। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो असिस्टेंट की जो पोस्ट है मल्टीपर्पज़ की उसका ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें 26/10 से लेकर 22/11 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को दोस्तों आप अच्छी तरह से रीड करें, इसके अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसी SC ST कैंडिडेट की कितनी है वो सब दी हुई हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर लें। इसमें आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसके बारे में भी दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, कितने नेम ऑफ टेस्ट कौन सा हो, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स करेंगे, मीडियम क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से रीड करें दोस्तों। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर भी दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम रहेगा, सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन की, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 108 पोस्ट इन द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बिहार। तो इस यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना तो आपके सामने जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह से सारी जानकारी दी हुई है दोस्तों, भर्ती के बारे में SC ST OBC कैंडिडेट की कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सब आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के सबमिट करके आप अपना इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना और यहाँ से अपने सबसे 5 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे दोस्तों, 6, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट, ये 5 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वाले ऑप्शन में नाम, एड्रेस, सिटी वगैरह कन्फर्म, मोबाइल नंबर वगैरह डालने हैं,
फोटो एंड सिग्नेचर में अपना फोटो अपलोड कर देना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, डिटेल आपको डाल देनी है क्वालिफिकेशन वगैरह की, प्रीव्यू लेना है आपको अपने जो फॉर्म भरा है, और उसके बाद अपलोड कर देना होगा फाइनल। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड वगैरह से आप इसमें अपना जो फीस है वो पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे दोस्तों, उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है और एग्ज़ाम डेट है वो सब इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें यहाँ पर कुछ अलग से लिंक दिए हुए हैं, क्लिक हियर टू फॉर गाइडलाइन टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड अदर, यहाँ पर क्लिक करके आप गाइडलाइन ले सकते हैं। और क्लिक हियर रूल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनके क्या रूल हैं फॉर्म को भरने के, वो सब यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।